बिहार का मौसमी मिजाज इस वक्त अपने पूरे शबाब पर है। मानसून की मेहरबानी से अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश का मौसम बेहद खुशनुमा बना रहेगा। आसमान में बादलों का डेरा रहेगा, जिससे गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन खतरे की घंटी भी बज रही है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने वज्रपात यानी आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर सीमांचल के जिलों में आकाशीय बिजली का खतरा हमेशा से ही जानलेवा रहा है और ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। साथ ही बिहार की प्रमुख नदियों में भी उफान देखा जा रहा है। कई नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं, जिससे बाढ़ के हालात बन रहे हैं। आने वाले दिनों में मौसम के बारे में बात करें तो 15 अगस्त तक बादल छाए रहेंगे और तापमान में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार पटेल की माने तो मानसून की सक्रियता बनी रहेगी, जिससे हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। 14 अगस्त को राज्य में अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्वा और पछिया हवाओं की गति भी 12 से 16 किमी प्रति घंटा के बीच रहेगी, जिससे हल्की ठंडक का एहसास होगा। हालांकि बारिश का सिलसिला पिछले कुछ दिनों से जारी है, जिससे बिहार की नदियां उफनाई हुई हैं। पटना, भागलपुर, सुपौल और गोपालगंज जैसे जिलों में निचले इलाकों में पानी तेजी से घुस रहा है, जिससे लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और नाव पलटने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अब बात करें वज्रपात से बचने के उपायों की, तो इंद्र वज्र मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर आप अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपने मोबाइल नंबर को दर्ज कर इसे एक्टिवेट करें। यह ऐप वज्रपात की चेतावनी देकर आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का मौका देगा। बारिश के इन खतरों के बीच कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। IMD के मुताबिक बिहार के 15 जिलों में बारिश सामान्य से अधिक दर्ज की गई है। इनमें अरवल, औरंगाबाद, किशनगंज, नवादा, शेखपुरा, सीवान, पश्चिम चंपारण, जमुई, लखीसराय, नालंदा, खगड़िया, गया, बक्सर, अररिया और बांका शामिल हैं। इस बारिश से किसानों को राहत मिली है, फसलें लहलहा उठी हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या जरूर उत्पन्न हो सकती है, तो इस मानसून के मौसम का लुत्फ उठाएं, लेकिन सावधानियां जरूर बरतें। लोकल 18 के लिए पटना से उद्धव कृष्णा की रिपोर्ट।